हेलो एवरीवन, मैं राय, आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राय ऑनलाइन एकेडमी के एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ साथ पॉलिटेक्निक इंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर वालों के लिए एक पेपर पढ़ना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अच्छा पेपर, ये भी अच्छा ही पेपर है। उसका सिलेबस पढ़ेंगे और एक यूनिट यानी यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपना विषय वस्तु की ओर चलते हैं। सिलेबस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ना, हम लोग का सिलेबस में 8 यूनिट टोटल पढ़ना है। उसमें पहला है प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें सारा इसमें प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। प्लांट यानी प्लांट लोकेशन लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा यूनिट यानी प्लांट को कहाँ स्थापित करेंगे, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, एंड मटेरियल हैंडल, उसका मटेरियल जो इसमें यूज होगा उसको कैसे हैंडल करेंगे, इन सारे चीज को हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग करेंगे प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस को प्लानिंग करेंगे। फिर चौथा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन बनाने के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे। पांचवा हो गया वर्क स्टडी, छठा हो गया इन्वेंटरी कंट्रोल, जो मान लीजिए इन्वेंटरी कंट्रोल में हम लोग को पढ़ना है वस्तुओं को ऑर्गेनाइजेशन में जो उत्पादन करना है उसको स्टोर, कितना स्टोर करें कि हमको कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। जी कैन फिक्सर है। 7वां यूनिट 8वां है मॉडर्न ट्रेंड्स। तो चलिए पहला यूनिट को स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है प्रोडक्शन सिस्टम। इसी में पढ़ना हम लोग टॉपिक है प्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्शन किसे कहते हैं पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन कहता है इट इज ए प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी एज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग लाइक इनपुट एलिमेंट मैन कैपिटल इन मटेरियल एंड एनर्जी। कहता है यह एक प्रक्रिया है जिसमें रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ को कन्वर्ट होता है फिनिश प्रोडक्ट में प्रॉपर क्वांटिटी यानी अच्छे क्वांटिटी में एंड क्वालिटी यानी अच्छे गुण में एज रिक्वायरमेंट, उसको जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को। क्या क्या इनपुट एलिमेंट में हो गया, मेन हो गया, आदमी का भी जरूरत होता है, मशीन का जरूरत ही होगा, कैपिटल यानी पूंजी का भी जरूरत होगा, मटेरियल एंड एनर्जी का। तीसरा है द मेथड विच इज यूज टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मेथड का यूज करते हैं उसी को हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर तीसरा अगला हो गया प्रोडक्शन सिस्टम किसे कहते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम आखिर होगा क्या। तो कहता है प्रोडक्शन सिस्टम इज अ रीजन ऑफ स्पेस, एक स्पेस का एक क्षेत्र है वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन सिस्टम एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेस है का एक क्षेत्र है जहां पर प्रोडक्शन हम लोग टेक्स प्लेस करता है यानी प्रोडक्शन होता है उसको लेआउट को। चलिए प्रोडक्शन सिस्टम को लेआउट को पढ़ लेते हैं। यह इनपुट एलिमेंट यानी इनपुट यहाँ देंगे, यह कन्वर्जन मशीन रहेगा उसको लगे, यहाँ से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट के बाद फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बन जाएगा। इसको चेक है प्रोडक्ट अच्छा गुणवत्ता या क्वालिटी वाइज बन रहा है या क्वांटिटी में बन रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए एक फीडबैक सिस्टम लगा दिया जाता है ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है बने। उसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन में पहला हो गया एवरी प्रोडक्शन इज ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट टू डू, यानी प्रत्येक प्रोडक्शन पहले ही से डिफाइन होता है कि हम उनको क्या करना है, कैसे करना है। इन्हें कि मशीन पर गए हैं, चालू कर दिए, पता करना ड्रिलिंग हो गया ग्राइंडिंग, इस हम ध्यान में पहले ही से डिफाइन रहता है कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। फिर दूसरा कहता है प्रोडक्शन सिस्टम ट्रांसफर वेरियस इनपुट एलिमेंट लाइक मैन पावर मशीन एनर्जी इटीसी इनटू डिजायर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्शन सिस्टम ट्रांसफर करता है वेरियस यानी अलग अलग इनपुट एलिमेंट से, जैसे मैन पावर यानी आदमी का शक्ति का उसमें प्रयोग होता है, एनर्जी का होता है, मशीन का होता है, वो डिजायर प्रोडक्ट मान लीजिए आपको बनाना है नट, तो नट में इसका प्रोडक्ट
डिजायर प्रोडक्ट में इसका हो गया प्रोडक्ट हो गया यानी प्रोडक्शन सिस्टम ट्रांसफर करता है। तीसरा हो गया फीडबैक इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, यानी फीडबैक किसमें जरूरी है, क्योंकि पता नहीं माली प्रोडक्शन कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा कि वस्तु अच्छा बन रहा है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी बन रहा है, वस्तु है कि नहीं, प्रोडक्ट है कि नहीं, या क्वांटिटी में हमको चाहिए, मास प्रोडक्शन तो हो रहा है कि नहीं, इसमें फीडबैक इसेंशियल यानी जरूरी चीजें है। चौथा हो गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कहता द मेन उद्देश्य प्रोडक्शन का मेन उद्देश्य होता क्या, हम लोग अच्छे से अच्छे गुण के अच्छे गुण के कुछ प्रोडक्ट को बनाए और साथ ही अच्छा मास प्रोडक्शन करें, यही ना हम लोग को प्रोडक्शन का मेन उद्देश्य होता है। तो इन सारों का कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, फाइल सिलेबस हम लोग देख लिए, उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में अगला वीडियो बनाकर पढ़वाए डेप करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ें, और जो नए बच्चे हैं जो चैनल पर नए विजिट किए हों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल पर उपलब्ध होगा आपको तुरंत सबसे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।